को धक्का दिया। सामने आओ। तुम फिर से तुम? हाँ मैं मां। मां मत कहना मुझे। मेरा वीर कोई और था, शेर था। उसे शिकार करना सिखाया था मैंने, लेकिन ये वीर एक कायर है जो एक मछुआरन के लिए अपनी मां से बगावत कर बैठा। उसके तलवे चाट रहा है, अपनी माँ से लड़ रहा है। एक मछुआरन के लिए अपनी माँ से लड़ने वाला मेरा बेटा वीर नहीं हो सकता। एहसान फरामोश, माँ चुप। एक शब्द नहीं, तुम्हारे मुंह से बगावत की बू आती है। तुमने अपनी माँ के मुंह पर थूका है, उसकी परवरिश को गाली दी है। सच कहते हैं दुनिया वाले, किसी दूसरे की औलाद को कितना ही क्यों ना सींचो अपने खून से, वो कभी अपनी सगी नहीं हो सकती। मुझे माफ कर दो। छोड़ो मुझे। माँ के पैरों में जन्नत होती है, लेकिन आज तुमने अपनी माँ के चरणों के नीचे कब्र खोदी। मुझे माफ कर दो माँ। तुम्हें क्या लगता है वीर, कि उस मछुआरन को जिसे तू अपनी बीवी बनाकर लाया है इस महल में अपने सर पर बिठाकर, मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगकर तुम उसे मेरे दिल में उतार दोगे? नहीं, उसे विजयगढ़ की रानी बनाओगे? कभी नहीं। तुम चाहे कितनी भी माफिया मांग लो वीर, लेकिन तुम अपनी माँ की काया पलट नहीं कर सकते, और ना ही उस लड़की का वो काला जादू जो मेरी नसों में जहर बन कर दौड़ रहा है। यहाँ तुम्हारी माँ तिल तिल मर रही है, और वहाँ वहाँ तुम उस मछुआरन के साथ इश्क लड़ा रहे हो। जख्मी हो गई हूँ अंदर से। ये देखो, देखो अगर आईना ने मुझे वो लेप नहीं दिया होता तो आज तुम्हारी ये माँ रानी इरावती मर चुकी होती। पर तुम्हें इससे क्या, क्योंकि उस मछुआरन के प्यार के सामने तुम्हारी माँ की मौत तो कुछ भी नहीं। इसीलिए आज तुम्हारी माँ के दर्द के सामने तुम्हारी ये माफी भी कुछ नहीं। माँ, मैंने 3 दिनों में जो आपका दिल दुखाया है, जो आपके साथ गलत किया, जो पाप किए, उसके लिए 3 जन्मों तक आपके पैरों में पड़कर माफी मांगते रहो तो भी कम है माँ। छोड़ो वीर, छोड़ो। आप कहें तो ये दुनिया छोड़ दो माँ। एक मछुआरन को तो छोड़ नहीं सके, दुनिया क्या छोड़ोगे? तुमने अपनी माँ का दिल दुखाया, हाय तो तुमको लगेगी। आपकी हाय मुझे मंजूर, लेकिन आपका दर्द नहीं। इसलिए तो मैं चंद्रकांता। नाम मत लेना उस लड़की का। लूंगा, एक बार नहीं 1000 बार लूंगा। वीर, एक मछुआरन के लिए। वो मछुआरन नहीं है माँ। सही कहा तुमने, वो मछुआरन नहीं, वो तो तुम्हारा प्यार है। नहीं माँ, वो मेरा प्यार नहीं है। नहीं है वो है जिसे आप चाहती थी। आपकी गुनहगार, जिसके शरीर पे खंजर का निशान है। आपने सोच भी कैसे लिया मां कि आपका वीर आपके खिलाफ जाएगा? सूर्यगढ़ से कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। क्या करता,
उस लड़की को यहाँ लेकर तो आना था ना, तो मैंने उससे शादी कर ली। ये वही लड़की है माँ, जिसे आपने लाने के लिए सूर्यगढ़ भेजा था। बोल जुड़े, क्या ये वही खंजर के निशान वाली लड़की है? आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना? आइए। तो आपको विश्वास हो गया होगा ना मां कि मैं आपका ही काम कर रहा था। जिस दिन मैं सूर्यगढ़ पहुंचा उसी दिन मैं इस लड़की से टकरा गया, इसके घर में रहा, हमेशा मेरे आंखों के सामने रही है। लेकिन जिस रात आपने छापा मारे योद्धाओं को भेजा, उस रात मैंने इसके शरीर पे वो खंजर का निशान देखा। जब तुमने उसी रात ये निशान देख लिया था तो उसी रात को क्यों नहीं उठा लाए? क्यों तुमने मेरा वार नाकाम किया? क्यों तुम माँ के खिलाफ लड़े? क्यों? क्यों तुमने पूरे जग के सामने माँ की जग हसाई करने की जरूरत समझी? आपके वार को नाकाम करके ही तो इसका दिल जीत पाया माँ। आपके वार नहीं तो हमारे प्यार पे आखिरी मुहर लगाई। क्या जरूरत थी ये प्यार का नाटक करने की? जरूरत थी माँ, जिस लड़की ने मेरी माँ के ऊपर जादू किया। शाबाश वीर, तुम जानते हो ना वीर, अब मैं इस लड़की के साथ क्या करूंगी? मार दूंगी इसे। मार दीजिए पीछे। मेरा बेटा, मेरा शेर वीर, आखिर में उस लड़की को ले ही आया मेरे पास। अब वो तिलस्मी खंजर की शक्तियां मेरी होगी और उन्हें तू मुझे लाके देगी। वो शक्ति मैं नहीं, तुझे वक्त देगा। 21 साल का वो चक्र बीत चुका, अब 21 साल बाद फिर वो वक्त आएगा, फिर वो शक्ति आएगी, तब वो तुझे मिलेगी। नहीं, मैंने 21 साल इंतजार किया है, 21 दिन और इंतजार नहीं करूंगी मैं। हर शक्ति के पीछे कोई राज होता है, कोई कहानी होती है, कोई तोड़ होता है। तू वो तोड़ मेरे लिए ढूंढ के लाएगी, वरना मैं तेरा तोड़ ढूंढूंगी। अगर आईना ने मुझे वो लेप नहीं दिया होता तो आज तुम्हारी ये माँ
रानी इरावती मर चुकी होती, मर चुकी होती। मैं नहीं जानता तुमने क्यों मेरी मां पे काला जादू किया, नहीं जानता तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा है, पर तुम मेरी मां के दुश्मन हो। मेरी मां के दुश्मन, मेरे दुश्मन। वीर, हजार किताबें पढ़ चुकी है भटकती आत्मा, अब तक कुछ नहीं मिला तुझे। पढ़ के बता, जल्दी बता मुझे कि वो तिलस्मी खंजर मुझे कब मिलेगा। 21 साल बाद आने वाला था वो खंजर, अब तक क्यों नहीं आया। अब तो वो लड़की भी आ गई है इस महल में, खंजर के निशान वाली रत्ना की वो बेटी, मेरे बेटे के बीवी बनकर। मेरा बेटा, मेरा शेर उसे ले ही आया। अरे मूरख, जल्दी पढ़ के बता कि वो खंजर मुझे कैसे मिलेगा, वरना तेरा गला काट के तुझे मार दूंगी। मिल गया रास्ता, मिल गया। अब क्या मुहूर्त निकालू बताने के लिए? मुहूर्त तो कल का है, कल अषाढ़ शुक्ल की एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए इसे चतुर्मास कहते हैं। इसी एकादशी की रात को खुलता है वो द्वार जहां वो तिलस्मी खंजर है। कल रात के इस मुहूर्त में वही एक लड़की है, वही रत्ना की बेटी, जो विष्णु जी को प्रसन्न करके वरदान ले सकती है। सिर्फ वही एक है जिसे विष्णु जी वो तिलस्मी खंजर दे सकते हैं। लेकिन 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 क्या? पूजा करते वक्त उसे हरे रंग का जोड़ा पहनना होगा, अपने रक्त से अभिषेक करना होगा, लिखे हुए मंत्रों का उच्चारण करना होगा। लेकिन फिर से लेकिन, अब क्या? विष्णु जी की पूजा जब वो करे तो सुहागन बनकर, कुंवारी सुहागन, अनछुई सुहागन, पवित्र सुहागन, समझी? पवित्र? मेरे बेटे की सुहागन, वो भी पवित्र? आज तक तूने अपने बेटे को सिर्फ राजभोग ही राजभोग परोसे है, कोई अनछुई नहीं रही। जा और जाके पता कर कि उस राजभोग का भोग भगवान को लग चुका है क्या? नहीं तो रोक ले उसे, जा। मुझे नींद नहीं आ रही है, बार बार आंख खुल जा रही है। थोड़ी देर तुम यहाँ रुक सकते हो? क्यों? क्योंकि इस महल में तुम ही हो जो मेरे क्या? हाँ, विजयगढ़ और सूर्यगढ़ में तो यही रिश्ता है दुश्मन का। तुम अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? पूरा दिन तो खुश करने के लिए मुझे इतना कुछ कर रहे थे, अब क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम्हारी माँ ने कुछ कहा? दरअसल माँ की तबीयत बहुत खराब। क्या हुआ है उन्हें, मुझे बताओ, शायद मैं उनकी कोई मदद कर सकूं।
मतलब वीर, बेटा मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। बहू समंदर के सीमा पर पहरे ही पहरे हैं। महाराज, सूर्यगढ़ अब सुरक्षित है, युद्ध समाप्त हुआ। नहीं, इरावते पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि उसने अपने बेटे को जासूस बनाकर हमारे गढ़ भेजा। वो हमारे सामने था और हमें पता ही नहीं चला। इसका मतलब हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर है। हमें इरावती को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। बेटे का जवाब, बेटा आप मेरे बेटे को भेजिए। ठीक है महाराज, जाऊंगा मैं। वीर, मुझे रास्ता मिल गया है उसके काले जादू को तोड़ने का। जो उसने तुम्हारी मां पर किया है, कल हमें एक पूजा करनी होगी। मतलब मेरी मेहनत सफल हुई, मां अगर ये जादू टूट गया तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। अब बताइए क्या करना है मुझे। कल तुम्हें सिर्फ ये देखना है वीर, कि वो मछुआरन सुहागन के हरे जोड़े में आए। लेकिन जब तक पूजा खत्म नहीं होती, तब तक तुम कमजोर नहीं पड़ोगे। तुम समझ रहे हो ना वीर, बहुत सारी लड़कियां हैं तुम्हारे लिए, लेकिन पूजा तक वो नहीं। माँ, वीर अपने लक्ष्य और शौक को कभी भी एक नजर से नहीं देखता, और इस समय मेरा लक्ष्य है चंद्रकांता। अब बस बताइए मुझे करना क्या है। कल उस मछुआरन को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हम ये पूजा कर रहे हैं, और जब उसे पूजा के लिए लाया जाए तब उसे होश नहीं रहना चाहिए। बेटा वो बहुत बड़ी अय्यारा है, सबसे अपनी अय्यारी छुपा रही है। अगर उसे पता चल गया कि हम ये पूजा कर रहे हैं, तो पलट कर वार करेगी वार। वो ये पूजा कभी नहीं होने देगी।
राज को पता चल गया तो? जाओ पता नहीं मैं खुश भी हूं और चलो चलो पहचान पत्र दिखाओ। विजयगढ़ में प्रवेश करने के लिए तुम्हें पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा। हमारी छाती ही हमारी पहचान है। मेरा मतलब हम राजकुमार वीर का बचपन, उनके बचपन के दोस्त। दोस्त उम्र नाना दादा की और दोस्त ये दोनों कौन है? बीवियां बीवियां बेटियां, क्या तमाशा ये? अरे चुप। अगर सिक्के के दो पहलू देखने हैं राजमहल,
सामने आ जाओ वीर, वीर। माँ तुम्हारा काम खत्म, इसे यहाँ से मैं ले जाऊंगी। नहीं माँ, आपकी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बताइए, मैं लेके चलता हूँ इसे। चलो। का जोड़ा मेरे पास। जल्दी करो वीर। नहीं, सुबह मैंने तुम्हें कहा था कि इस लड़की को यह मंगलसूत्र इसलिए पहनाना है क्योंकि इसकी जरूरत पूजा में है। इसे तोड़ना मत। ये पूजा काला जादू तोड़ने के लिए खतरनाक हो सकता है। नहीं माँ, मैं नहीं रहूंगा। एक मछुआरन के लिए नहीं माँ, आपके लिए। ये लड़की बहुत खतरनाक है, अगर पूजा के बीच में इसे होश आ गया तो आपके ऊपर हमला कर देगी, और वैसे भी आपकी तबीयत बहुत खराब है, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा वीर, तुम जाओ। नहीं माँ, मैं यहीं रहूंगा। अगर ये मुहूर्त निकल गया तो फिर इस लड़की का जादू कभी नहीं उतरेगा। तो इससे पहले कि मुहूर्त खत्म हो पूजा शुरू कीजिए। लेकिन वीर, इस पूजा में सिर्फ तीन लोग बैठ सकते हैं, जिसने जादू किया है, जिस पर जादू हुआ है और जो पूजा कर रहा है। अगर कोई चौथा इंसान इस पूजा में बैठा तो इसका जादू तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। वीर, वीर।
नहीं सताक्षी, जाओ जाओ। मुहूर्त जा रहा है। ये आवाज कैसी? ये मूरख दासियां भी? वीर, तुम अब तक वहां क्यों खड़े हो? मैंने तुम्हें कहा ना जाओ। आज वो शक्ति तुझे नहीं मिलेगी। चल ईरा, आज नहीं। अगर इस लड़की को होश आ गया और उसे जरा भी शक हुआ तो तेरी खंजर की कहानी खत्म। चल चल ईरा, चल। मिलने ही वाली थी और उस तूफान को भी अभी आना था। वो तूफान नहीं था, कुदरत का इशारा था। विष्णु जी भी नहीं चाहते कि शक्तियां तुझे मिले। विष्णु जी नहीं चाहते या तू? निकाल, अगला मुहूर्त निकाल, वरना मैं तेरी मौत का मुहूर्त निकाल दूंगी। अब मुहूर्त 2 हफ्ते बाद निकला, पूर्णमासी की रात को। नहीं, पूर्णमासी तक वो रत्न प्रभा की बेटी को मारने के लिए मुझे पूरे 2 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, रुक, पूरी बात तो सुन। तेरी बात में अब कोई दम नहीं रहा बुढ़िया। हाँ, तेरा मस्कल अंदर तेरे रास्ते के बीच में जो खड़ा है। 2 हफ्ते का वक्त और तुझे मिलने वाली खंजर की शक्तियों के बीच में कोई है। तेरा बेटा वीर। तुम बताओ, तुमने क्या किया? कैसे आई तुम यहाँ पे? वो सुबह तुम्हारे मंगलसूत्र देने के बाद तितलियाँ आई थी। मुझे लगा वो जादुई तितलियाँ तुम लेकर आए थे। जादुई दुनिया की सबसे जादुई नगरी है ये। यहाँ हर कोई जादू करता है। यहाँ की हवा में जादू है। मुझे लगता है तुम्हें जादू लग गया था। और वैसे भी महल की दासी कह रही थी कि तुम अपने ही धुन में महल से बाहर चली आई। मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आया और फिर इस मंदिर में पहुँच गया। हाँ, शायद तितलियों ने जादू किया होगा। तुम ठीक हो? हाँ। चलो महल चलते, आओ।
क्या कहा तुमने? मेरा बेटा, मेरा वीर? हाँ, तेरा बेटा वीर। देखा नहीं मंदिर में कैसे उसकी ढाल बन के खड़ा था? वो मेरी ढाल बन के खड़ा था ताकि वो अय्यारा उसकी माँ को मार ना दे। वो लड़की लड़की नहीं, एक जादूगरनी है। उसका रूप तेरे बेटे के सर चढ़ के बोल रहा है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तुम यहां कैसे आ सकती हो? तुम्हारा इस मंदिर से क्या रिश्ता होगा? वंदे विष्णु, वंदे विष्णु, वंदे विष्णु। और दिखा तो ऐसे नहीं जैसे कि इस मंदिर से पुराना रिश्ता है। देख कमल के दो फूल कैसे खिल रहे हैं। प्यार की कहानी शुरू हो चुकी है। रुक जाओ वीर। मां चंद्रकांता इस घर की बहू है और इसका गृह प्रवेश भी हो चुका है। आओ। वीर मैंने कहा रुक जाओ वरना यहां कोई अनहोनी हो जाएगी। माँ ठीक तो है? भगवान का शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। जब मैंने तुम्हें अंदर आने से रोका था तब रुके क्यों नहीं? तुम्हें पता है ना वीर, इस लड़की ने मुझ पर काला जादू किया है और आज रात को ये काला जादू और ज्यादा भयानक हो जाएगा। तुम्हारी माँ की जान भी जा सकती है। नहीं माँ। हाँ माँ, तुम्हारी माँ जो भी कहे हाँ मैं हाँ मिलाती रहूं, समझे?
अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे राज्य पर काल के बादल मंडराएंगे, हमारी प्रजा तबाह हो जाएगी। अब इसे रसम कहो या श्राप, निभानी तो पड़ेगी। देखा ना तुमने भी, मेरे रोकने पर भी जब तुम नहीं रुके तब ये कांच कैसे टूटा। सोचो अगर ये रसम नहीं निभाई तो हम पर क्या कहर टूटेगा। मैंने लोगों से सुना है वो जंगल बहुत ही मायावी और डरावना है, अगर वहां कोई एक बार जाता है तो दोबारा लौट कर नहीं आता। खामोश! पर रानी साहिबा, वहां चंद्रकांता की जान को खतरा है। कोई खतरा नहीं है उमंग, मैं ये रस्म निभाऊंगी। ये तो पहली रस्म है मछुआरन, अगले 30 दिन जाने ऐसी कितनी ही रस्में होंगी जो तुझे निभानी पड़ेगी। हर रस्म में जान का खतरा है और हर रस्म में खतरे में जान। चौराहे से दाएं जाना, वहां से सीधा जाना, वहीं से जंगल शुरू होता है। रुको चंद्रकांता, मत जाओ। तुम्हें पता है वो जंगल कितना खतरनाक है, वहां के तो पेड़ भी लोगों की जान ले लेते हैं। पता है वहां कुछ भी हो सकता है। रसम है उमंग, रानी जी ने कहा निभानी तो पड़ेगी। पहले माँ पर काला जादू करती है, फिर जान हाथ पे लेके जंगल में जाती है। नाटक अच्छा है, रानी जी ने कहा है। ये लो, ये तुम्हारे साथ है, तुम्हारे काम लगेगा। शुक्रिया। वीर, अच्छा बात नहीं करनी थी तो गायब हो गया। जब सूर्यगढ़ में था तो इसके विषय में क्या क्या सोचा था, और यहाँ विजयगढ़ आके कैसा निकला ये। माँ, मुझे बुलाना था तो ऐसे ही बुला लेती, ये जादू की जरूरत क्या थी। जादू मैंने नहीं, उसने किया। किसने माँ? उस मछुआरन ने। जब वो जंगल में जा रही थी, जिन नजरों से तुम उसे देख रहे थे, उन नजरों में प्यार था। नहीं माँ। हाँ बेटा, हाँ, औलाद कब हंसती है कब रोती है माँ सब जानती है। कब से जानते हो माँ को, बोलो वीर, कब से जानते हो माँ को? जब 4 साल का था, जब मेरी माँ ने आखिरी सांस ली थी, जब मैंने पहली बार आपको माँ कहा था, तब से लेकर अब तक क्या एक पल के लिए भी मैंने तुम्हें ये एहसास होने दिया कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ और तुम मेरे सौतेले बेटे? नहीं माँ। क्योंकि मैंने वो हर काम किया जो दुनिया की कोई माँ नहीं कर सकती। अपना रंग, अपना रूप, अपनी विरासत, अपनी मोहब्बत, अपनी तलवार, अपनी ढाल, सब कुछ तुम्हें दे दिया वीर, सब कुछ। अय्यारी सिखाई मैंने तुम्हें, विजयगढ़ का राजकुमार वीरेंद्र सिंह बनाया मैंने तुम्हें, स्वयं से आगे रखा मैंने तुम्हें, स्वयं से ऊपर, स्वयं।
पर मौत है। हाँ मौत है वीर। मार दो मुझे वीर, मार दो। माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा सोचने के पहले मैं हजार मौत मर जाऊं। माँ के लिए उस लड़की को छोड़ोगे? छोड़ना क्या, एक बार उसका काला जादू आपके ऊपर से खत्म हो जाए फिर उसकी कहानी खत्म। इसके लिए 2 हफ्ते लगेंगे वीर, लेकिन तब तक तुम अपने प्यार का नाटक जारी रखना। एक बात तो है वीर, उसने मुझे रानी परी, वो मछुआरा उस जंगल से निकलने ना पाए, वहीं भटकते रहे मर मर के डरे, लेकिन डर डर के मरनी नहीं चाहिए, समझे तुम? क्यों आ क्या रानी परी,